वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ ऑफिस एंड कॉलेज गर्ल्स के लिए एवरीडे समर मेकअप लुक। एकदम मिनिमल लुक है, बहुत कम प्रोडक्ट मैंने यूज किया है, जितना एक लुक को कंप्लीट करने के लिए चाहिए होता है बस उतना ही। नो एक्स्ट्रा मेकअप, नो एक्स्ट्रा कुछ भी, क्योंकि ऑफिस जाने के टाइम पर उतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम एक ढंग से प्रॉपर मेकअप करके जाए। तो स्किन केयर के साथ साथ जितना हमें चाहिए होता है बस मैंने उतना ही यूज़ किया है। तो वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना ताकि सब कुछ आपको पता लग जाए कि मैंने क्या क्या यूज़ किया है और इस लुक को मैंने कैसे कंप्लीट किया है। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अगर आप एक स्कूल कॉलेज ऑफिस गर्ल हो या फिर वर्किंग वूमन हो, हमेशा काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन पीरियड के टाइम पे आपको बाहर जाने में बहुत टेंशन होता है, दाग लगने का डर होता है, अनकंफर्टेबल फील होता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ पीरियड पैंटी की रिव्यू। जी हाँ, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे रिव्यूज़ चेक करने के बाद फाइनली मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो एकदम से ना मैं कुछ महंगा खरीदना नहीं चाहती थी, थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस में मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो फाइनली मुझे ये दिख गया। यह है एवा वी का अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज। और ये जो पैकेट है ना, इसका MRP है 275 रुपीज़ और इस पर आपको टोटल 10 पीस मिलता है, तो उस हिसाब से पर पीस आपको अराउंड 30 रुपीज़ पर मिल जाएगा। तो दूसरे पीरियड पैंटी के मुकाबले ना ये मुझे थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस ही लगा। ये रहा हमारा फर्स्ट पैकेट जो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का सिंगल पैकेट में आपको पीरियड पैंटी की जो पैकेजिंग देखने को मिल जाएगा, तो अपने साथ ना आप इसे एक्स्ट्रा कहीं पर लेके भी जा सकते हो। ये रहा हमारा पीरियड पैंटी, कुछ इस तरीके का है, पैंटी विथ पैड, नॉर्मल पैंटी जैसा ही दिखता है। फ्रंट साइड मेंशन किया हुआ है, आपको इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक साइड है। जैसे आप अंडरवेयर पहनते हो वैसे ही आपको पहनना है, बहुत ईजी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। इस पर आपको 360 डिग्री एंटी लीकेज प्रोटेक्शन मिलता है, रेगुलर सैनिटरी नैपकिन से भी 4 गुना एब्जॉर्बिंग पावर है, तो दाग लगने का कोई टेंशन नहीं। आप इसे ओवरनाइट या फिर डे टाइम में कभी भी यूज़ कर सकते हो। इसका फिटिंग भी बहुत सही है, बॉडी शेप के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है। फिर भी आपको ना इसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज सभी साइज़ भी मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से कोई भी साइज़ चूज़ करके ले सकते हो। ये कॉटन जैसा सॉफ्ट है और यूज़ होने पर ना आप साइड से इसे इजीली निकाल भी सकते हो। मुझे ये बहुत पसंद आया है और मैं इसे ना हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखो। आपकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है ना, बिल्कुल इतना इजी हो जाएगा ना मैं बता नहीं सकती। मुझे ये बहुत पसंद आया है, तो मेरे साइड से ये आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। फेस वॉश मैंने कर लिया है और अभी क्लीन फेस के ऊपर मैं अपनी मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यूज़ किया है टोनर और मैंने लिया डॉटन की का वाटरमेलन सुपर ग्लो टोनर। इसमें है ग्लाइकोलिक एंड कुकुम्बर, ये पोर मिनिमाइजिंग टोनर है। ओके, और मैं इसे 2 से 3 हफ्ता हुआ है यूज़ कर रही हूँ और ये मेरा करंट फेवरेट भी बन गया है। मैं तो इसे डेफिनेटली रिपर्चेस करूँगी। नाउ अभी आप टोनर लगाने के टाइम ना कॉटन बॉल या फिर कॉटन पैड का यूज़ कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली ऐसे हाथों में डाल के डैप डैप करके फुल फेस पे लगा लेती हूँ, फिर 1 मिनट तक वेट कर लेती हूँ ताकि पूरा ड्राई हो जाए। आप नॉर्मली स्किन केयर रूटीन में अगर टोनर के बाद सीरम वगैरह यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो मैं टोनर लगाने के बाद लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मैंने लिया है सिंपल का रिच मॉइस्चराइज़र और ये मेरा सबसे अभी तक का फेवरेट मॉइस्चराइज़र बन गया है। मैं लिटरली बता नहीं सकती, ये मुझे इतना पसंद आया है ना, मैंने फुल बॉटल ख़त्म कर दिया। इसका और एक वेरिएंट भी आता है लाइट मॉइस्चराइज़र, दोनों है मेरे पास। ओके, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं फुल रिव्यू करूँ इस पर, तो मैं दोनों की जो रिच मॉइस्चराइज़र एंड लाइट मॉइस्चराइज़र दोनों में फुल रिव्यू वीडियो डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ एक कॉमेंट डाल देना। ओके, अभी इसका जो क्वांटिटी ना आप यूज़ करोगे ना, बहुत कम यूज़ होता है और इतना अच्छा जो स्किन का टेक्स्चर को पूरा चेंज कर देता है। ओके, लिप्स को मॉइस्चराइज रखने के लिए मैं लगा रही हूँ मामाअर्थ का टिंटेड लिप बम। और ये चीज़ मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि मेकअप की स्टार्टिंग में स्किन केयर के साथ साथ हमेशा लिप बम भी लगाया करो, क्योंकि ड्राई चैप लिप के ऊपर लिप कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं लगा रही हूँ माई ग्लैम मनीष मल्होत्रा की ये वाला प्राइमर। अभी आप सोचोगे कि समर मेकअप है और बिना सनस्क्रीन लगाए मेकअप स्टार्ट कर दिया, अब मैंने क्यों प्राइमर लगाया पहले, ये आपको आगे चल के पता लगेगा। अभी फुल फेस पर मैंने अच्छे से प्राइमर लगा लिया और ये मॉइस्चराइजिंग प्राइमर है। अभी मैं लगा रही हूँ ये है डॉटन की का टिंटेड सनस्क्रीन और ये इनका न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है। ये जो सनस्क्रीन है ना, ये तो सनस्क्रीन है ही और इसके साथ साथ ना इसके अंदर मेकअप का पार्टिकल्स भी है, मतलब स्किन टिंट के अकॉर्डिंग, स्किन कलर के अकॉर्डिंग इन्होंने ये इनका 3 शेड लॉन्च किया है। और ये ना
मेरे पास आया था एज ए पी आर, मुझे एज ए पी आर मिला था डॉटन की ब्रांड की तरफ से, और मैं इसी वीडियो में इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है ना एक के बाद लगाने का, कॉलेज जाने के टाइम पर, ऑफिस जाने के टाइम पर, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि दोनों का काम ये करेगा एक साथ। अगर इसका ना फुल रिव्यू आप चाहते हो तो प्लीज़ एक कॉमेंट कर देना। मेरे पास इसका टोटल 3 शेड है तो मैं इसका फुल रिव्यू कर दूँगी अपने चैनल पर। तो फुल फेस पर मैंने अच्छे से इसको लगा लिया। अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो आपको कंसीलर लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली टिंटेड सनस्क्रीन लगा के उसको कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर कोई भी सनस्क्रीन वाले पाउडर से सेट कर लो ताकि स्वेट ना आए। मैंने लिया है माइकलैम का मनीष मल्होत्रा रेंज का ये कंसीलर, क्योंकि इसकी कवरेज मुझे काफ़ी पसंद आता है तो मैं फ़िलहाल तो इसे यूज़ कर रही हूँ। और मेरे फेस पर जितने सारे स्पॉट वाली एरिया है मैं लगा के ब्लेंड कर दिया। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ ये चिक मी आउट क्रीम ब्लश। अब ये कौन सी ब्रांड का ये तो मैं फ़िलहाल नहीं बता सकती क्योंकि ये टेस्टेड प्रोडक्ट है, टेस्टिंग के लिए आया था मेरे पास, तो ये तो अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो इसका नेम भी मैं नहीं रिवील कर सकती। क्रीम ब्लश को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं उसे सेट करूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर से, और मैंने लिया माइग्लैम की कॉम्पैक्ट पाउडर और सेम पाउडर से मैं अपनी फुल फेस को भी सेट कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं करूँगी अपनी आईब्रो, और मैंने लिया है अगेन माइग्लैम ब्रांड की आईब्रो पाउडर। अब देखो जिनका आईब्रो मेरे जैसा बहुत थिक है, एकदम जंगल जैसा बहुत घना आईब्रो है ना, उनको ज़्यादा कुछ ड्रॉ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली कोई भी आईब्रो पेंसिल उठा लो और ऐसे उसको थोड़ा सा शेप कर लो बस। अब आईब्रो करने के बाद अब मैं लगा रही हूँ पाउडर ब्लश, क्योंकि क्रीम ब्लश जब भी आप अप्लाई करोगे ना उसके ऊपर थोड़ा सा अगर पाउडर ब्लश लगा दोगे ना, और थोड़ा सा कंटूर की टाइम भी जब कंटूरिंग करोगे क्रीम वाला प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद पाउडर वाला प्रोडक्ट उसके ऊपर यूज़ करोगे ना, तो थोड़ा सा वो जो लुक होता है ना बहुत इन्हेंस हो जाता है, बहुत परफेक्ट दिखता है। उसके बाद मैंने सेम ब्लश लेके थोड़ा सा आईलेट के ऊपर और थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे अच्छे से स्मच कर दिया ताकि एक पिंकी पिंकी सा लुक आ जाए। फिर मैंने एंगल ब्रश में ब्राउन आई शेडो लेके एक छोटा सा विंग ड्रॉ कर दिया कॉर्नर की साइड पे, मतलब आउटर साइड पे। फुल लाइनर मैंने ड्रॉ नहीं किया, एक छोटा सा जस्ट विंग ड्रॉ कर दिया। फिर मैंने दोनों आंखों में भर भर के मस्कारा लगाया, और मैंने यूज़ किया मामा अर्थ का वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट मस्कारा। इसको लगाने के बाद ना जो आपका जो ओरिजिनल लैशेज है ना बहुत अच्छे से कर्ल हो जाता है, एक अलग सा वॉल्यूम आ जाता है। नेक्स्ट मैं लगा रही हूँ शुगर पॉप का लिपस्टिक न्यूड शेड पिंक टोन में, और समर टाइम में ना हर एक स्किन टोन के लिए न्यूड शेड एक बेस्ट ऑप्शन भी होता है। अभी लास्ट में मैं लगा रही हूँ मेकअप सेटिंग स्प्रे। आपके पास कोई भी ब्रांड का है तो आप वही यूज़ कर लो, लेकिन लगाया ज़रूर करो। समर टाइम में कोई भी मेकअप के लिए सेटिंग स्प्रे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेरा मेकअप यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइस, एंड हेयर इज माय फाइनल लुक। तो लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा कोई मेकअप लुक के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहना।